पीएम मोदी की इस यात्रा से फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती। रवाना होने से पहले पीएम ने खुद बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह फ्रांस और यूएई की आधिकारिक यात्रा के लिए भारत से रवाना हुए। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के आधिकारिक निमंत्रण पर 13 से 14 जुलाई तक फ्रांस का दौरा कर रहे हैं। फ्रांस के अपने 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान जारी करते हुए अपनी फ्रांस यात्रा के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किए गए अपने बयान में कहा कि मैं अपने मित्र फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर 13-14 जुलाई तक फ्रांस की आधिकारिक यात्रा कर रहा हूं। ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस या बेस्टिल डे समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ इस समारोह में शामिल होने जा रहा हूं। भारतीय त्रिसेवा दल बेस्टिल डे परेड का होगा हिस्सा, पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय त्रिसेवा दल बेस्टिल डे परेड का हिस्सा होगा, जबकि भारतीय वायुसेना के विमान इस अवसर पर फ्लाई पास्ट करेंगे। इस साल हमारी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस रक्षा, अंतरिक्ष, नागरिक, परमाणु, व्यापार, निवेश, शिक्षा, संस्कृति और लोगों से संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में निकटता से सहयोग करते हैं। हम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी मिलकर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति मैक्रों से मिलने और अगले 25 वर्षों में इस दीर्घकालिक और परिपक्व साझेदारी को आगे बढ़ाने पर व्यापक चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। 2022 में फ्रांस की मेरी आखिरी आधिकारिक यात्रा के बाद से मुझे राष्ट्रपति मैक्रों से कई बार मिलने का अवसर मिला है। हाल ही में मई 2023 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के हिरोशिमा में हमारी मुलाकात हुई। मेरी यात्रा हमारी रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करेगी, पीएम मोदी। पीएम मोदी ने बयान में आगे कहा कि वे अपने फ्रांसीसी समकक्ष एलिजाबेथ बोर्न, फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जेराल्ड लार्चर और फ्रांसीसी नेशनल असेंबली के अध्यक्ष येल ब्राउन पिवेट समेत फ्रांसीसी नेतृत्व के साथ बातचीत से मिलने के लिए उत्सुक हैं। बयान में पीएम मोदी ने कहा कि वे भारतीय समुदाय और दोनों देशों के प्रमुख CEO से मुलाकात करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी यात्रा भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करेगी।